वीडियो को शुरू करने से पहले ही मैं आपको कुछ ऐसे स्टेटिस्टिक्स बताती हूँ कि डिफरेंट बी स्कूल्स में क्या रेशो रहती है इंजीनियर्स वर्सेस नॉन इंजीनियर्स की। IIM अहमदाबाद में 33.5% नॉन इंजीनियर्स हैं, IIM बैंगलोर में यही नंबर 18% के आसपास है और IIM कलकत्ता में 25%। बाकी के टॉप बी स्कूल्स में भी इसी तरह की सिमिलर स्टोरी देखने को मिलती है, चाहे फिर वो एक्सलर आए हो या FMS। तो अगर आप एक MBA एस्पिरेंट हो, इट इज सेफ टू अज्यूम कि आउट ऑफ ऑल द सीट्स ऑफ अ पर्टिकुलर बी स्कूल ऑलमोस्ट 30-40% सीट्स नॉन इंजीनियर्स ऑक्यूपाई करते हैं एंड द रेस्ट ऑफ देम आर टेकन अप बाय इंजीनियर्स। अब दोनों ही कैंडिडेट्स में से किसके लिए ज्यादा इजी है एक बी स्कूल में एडमिशन लेना, इसका आंसर समझाना बहुत ही जरूरी है, बिकॉज बहुत से इंजीनियर्स इस चीज से परेशान होते हैं कि 99% आने के बावजूद हमें कोई भी बी स्कूल कॉल नहीं करता है। एंड बहुत सारे नॉन इंजीनियर्स इस चीज से डरते हैं कि हमारा कॉम्पिटिशन तो इंजीनियर्स के साथ है, हाउ विल वी स्टैंड इन एनी बी स्कूल। तो टू इलस्ट्रेट यू दिस पॉइंट, लेट मी टेल यू कि अगर एक बी स्कूल के अंदर 400 सीट्स हैं, आप उसको 30% और 70% के स्प्लिट में इमेजिन करो, यानी कि 120 सीट्स नॉन इंजीनियर्स की एंड 280 सीट्स इंजीनियर्स की। कोई भी बी स्कूल ऐसा कहता नहीं है कि हमने 30% सीट्स रिजर्व करी हुई है नॉन इंजीनियर्स के लिए, बट द रीजन दे एक्सेप्ट एकेडमिक डाइवर्सिटी इज बिकॉज एक तो उससे कॉलेज की रैंकिंग इंप्रूव होती है, अच्छे रिक्रूटर्स कैंपस पे आते हैं एंड क्लासरूम की डिस्कशंस भी एनहांस होती हैं। तो अगर आपने ये 30% की फिगर अपने दिमाग में बना ली, इसका फायदा ये होगा कि एज एन एस्पिरेंट, चाहे आप इंजीनियर हो या नॉन इंजीनियर, आपको अपना कॉम्पिटिशन पूल पता रहेगा एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैं कैट एग्जाम की तैयारी कर रही थी, उस समय मैं बीकॉम ऑनर्स फ्रेशर थी एंड मुझे ऐसा लगता था कि मैं मैथ में बहुत अच्छी नहीं हूँ, सो हाउ विल आई कम्पीट विद दोज इंजीनियर्स आउट देयर जो कैट एग्जाम में मुझसे बेटर स्कोर कर सकते हैं। ओवर द टाइम मुझे ये चीज समझ में आई कि मेरा कॉम्पिटिशन उन इंजीनियर्स से है ही नहीं, मेरा कॉम्पिटिशन उन कॉमर्स ग्रेजुएट्स या उन इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट्स से है जो मेरे ही अकेडमिक कैटेगरी के हैं और वो कैट एग्जाम लिखने वाले हैं। इसी तरह अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तो आपका कंपटीशन उन इंजीनियर्स के साथ है जो कैट एग्जाम लिखने वाले हैं एंड दैट इज द रीजन कि अगर आपकी 90% आती है तो भी आपको शॉर्टलिस्ट नहीं आएगी, लेकिन शायद एक ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के स्टूडेंट या एक डॉक्टर को 90% पे शॉर्टलिस्ट आ जाएगी क्योंकि उनका कॉम्पिटिशन पूल ही उतना है। मेरे पास इस चीज का डेटा तो है नहीं कि आउट ऑफ दोज 2.5 लाख पीपल जो कैट का एग्जाम लिखते हैं कितने इंजीनियर्स और कितने नॉन इंजीनियर्स होते हैं, बट मेरे पास एक ऐसा डेटा पॉइंट है जो आपको एक रफ एस्टिमेट देगा कि ये चीज सच है कि ज्यादा इंजीनियर्स बेटर स्कोर करते हैं इन दी कैट एग्जाम देन नॉन इंजीनियर्स। ये डेटा मैंने कैट की ऑफिशियल वेबसाइट से ही निकाला है जहां ये मेंशनड है कि जो टॉप परसेंटाइल्स हैं वहां पर कितने इंजीनियर्स थे और कितने नॉन इंजीनियर्स थे एंड आई एम प्रीटी श्योर कि अ सिमिलर ट्रेंड फॉलोज अक्रॉस द डिफरेंट परसेंटाइल्स। दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि अगर आप एक इंजीनियर हो, आपको ये याद रखना है कि आपका कॉम्पिटिशन उन 280 सीट्स के लिए है, और अगर आप एक नॉन इंजीनियर हो, यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने आप को कंपेयर मत करो, योर कंपटीशन इज फॉर दोज 120 सीट्स एंड नॉट फॉर दोज 400 सीट्स। ये समझाने के बाद मैं ये भी नहीं चाहती कि आप डीमोटिवेट हो जाओ कि टॉप रैंकर्स तो हमेशा इंजीनियर्स ही होते हैं, तो एज अ नॉन इंजीनियर मेरा चांस भी है या नहीं, दैट इज नॉट द केस। इनफैक्ट फॉर दैट लेट मी गिव अ शाउट आउट टू टुडे स्पॉन्सर विच इज iQuanta एंड मैं उनके कुछ ऐसे स्टूडेंट्स की कहानी आपको बताती हूँ जिन्होंने डिस्पाइट देयर हार्डशिप्स, चाहे फिर वो इंजीनियर थे या नॉन इंजीनियर, बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं इन दी कैट एग्जाम। आयुष अग्रवाल iQuanta के एक ऐसे स्टूडेंट रह चुके हैं जो कि नॉन इंजीनियर थे एंड उन्होंने 99.69% स्कोर की थी एंड ही मेंशन कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी परसेंटाइल आ सकती है। ही सेड कि मैंने शॉर्टकट्स के अलावा बेसिक्स पे ज्यादा फोकस करने की कोशिश की थी। आदर्श की भी सिमिलर स्टोरी है जो कि पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से थे एंड इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से वो पढ़ाई कर रहे थे एंड उन्होंने 99.93% अचीव की थी कैट एग्जाम में। ही शेयर्ड कि वो अपनी प्रिपरेशन के दौरान सारे डाउट्स को iQuanta के फेसबुक ग्रुप पे ही सॉल्व करवाते थे जहां इंस्टेंटली कोई ना कोई 30 मिनट्स के अंदर अंदर उन्हें जवाब दे ही देता था। इस फेसबुक ग्रुप के बारे में iQuanta के प्रीवियस कैट टॉपर्स ने भी हमेशा मेंशन किया है। सो इस तरह के सारे रिसोर्सेज जैसे कि ये फेसबुक ग्रुप हो गया, इसी तरह उनका एक मेंटरशिप फॉर्म आता है जिससे आप अपनी प्रोफाइल इवेलुएट करवा सकते हो, ये सारे रिसोर्सेज आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। यू कैन चेक देम आउट, आई विल पुट देयर लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन एंड द पिंड कमेंट। सो आई होप कि इन एग्जांपल से आपको ये तो समझ में आ गया हो कि ऐसा नहीं है कि नॉन इंजीनियर्स पहुंच नहीं सकते अलग अलग बी स्कूल्स में, दे डेफिनेटली कैन, बट एक क्वेश्चन जरूर आता है कि एक बी स्कूल के दौरान क्या सिचुएशन होती है, क्या नॉन इंजीनियर्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, चाहे फिर वो पढ़ाई में हो या प्लेसमेंट्स के दौरान। सो लेट अस डिस्कस दैट एलिमेंट नाउ। सबसे पहली चीज, क्या फीलिंग होती है जब आप कैंपस पे होते हो एज अ नॉन इंजीनियर। इस सवाल का ना परफेक्ट जवाब दिया था एक स्टूडेंट ने जब मैंने उनसे बात की थी इस चैनल पे। ही वॉज एन IIT रुड़की स्टूडेंट एंड ही मेंशन दिस। आफ्टर द फर्स्ट मंथ
इट्स वेरी हार्ड टू डिस्टिंग्विश विदाउट आस्किंग समबडी कि इफ यू आर एन इंजीनियर और अ नॉन इंजीनियर. ऑनेस्टली दिस इज द परफेक्ट एक्सप्लेनेशन, बिकॉज अगर आप कुछ महीनों के बाद अपने बैचमेट्स को पहचानने की कोशिश करोगे कि ये इंजीनियर है या नॉन इंजीनियर, आप नहीं पहचान पाओगे अनलेस वो डॉक्टर हैं या लॉयर हैं, जो कि बहुत कम होते हैं बैच में एंड उनके बारे में सबको पता होता है. अदरवाइज नोबडी कैन रियली गेस कि आप कौन से एकेडमिक बैकग्राउंड से हो. फॉर ऑल ऑफ अस देर इज म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर एंड वी डोंट रियली केयर कि आप कौन से एकेडमिक बैकग्राउंड से आते हो. ऑल दैट मैटर्स इज कि आप क्लास के अंदर कितने अच्छे इनपुट्स दे पाते हो. ऑल्दो मैं खुद भी एक नॉन इंजीनियर थी, मैं बी कॉम ऑनर्स की स्टूडेंट थी, लेकिन मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि जब आप एक क्लास में बैठे होते हो जहाँ बहुत अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग होते हैं, मेरे लिए तो इकोनॉमिक्स वाले भी अलग थे और इंजीनियर्स भी अलग थे, तो उनके जो इनपुट्स होते हैं वो हमेशा आपकी ओवरऑल ग्रोथ, ओवरऑल लर्निंग में वैल्यू एड करके जाएंगे. तो आपको ऐसा जरूर लग रहा होगा कि यार क्या है, इंजीनियर्स को ही क्यों ले लेते हैं, या क्या है यार नॉन इंजीनियर्स वालों को एक्स्ट्रा एडवांटेज देते हैं. एट द एंड ऑफ द डे वो पूरे बैच की ओवरऑल ग्रोथ और लर्निंग के लिए बेटर रिजल्ट करता है. क्लासरूम सेटिंग के अलावा हमारे कोर्सेज के दौरान भी दोनों ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एक दूसरे की काफी हेल्प करते हैं. जैसे कि इंजीनियर्स के लिए लॉ, फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशंस या फिर के अकाउंटिंग जैसे कॉन्सेप्ट्स पढ़ना थोड़ा सा टिपिकल होता है. ऑन द अदर हैंड फॉर पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड्स, उनके लिए क्वांट बेस्ड या आईटी बेस्ड सब्जेक्ट्स को पढ़ना थोड़ा सा ट्रिकी होता है. सो इन दैट केस बैच के जितने भी कॉमर्स और सीए वाले स्टूडेंट्स हैं वो फाइनेंस की क्लासेस लेते हैं, वो अकाउंटिंग की क्लासेस लेते हैं एंड सिमिलरली जो भी इंजीनियर्स हैं वो नॉन इंजीनियर्स को क्वांट पढ़ाते हैं. दिस इज द नंबर वन रीजन कि किसी भी बी स्कूल में जो स्टूडेंट ग्रुप्स होते हैं उनमें हमेशा एकेडमिक डाइवर्सिटी का ध्यान रखा जाता है. जैसे आईआईएम अहमदाबाद में 6 लोगों का एक स्टूडेंट ग्रुप होता था, उसमें से 3 या 4 इंजीनियर होते थे और 2 नॉन इंजीनियर्स होते थे. दिस वाज डन टू इंश्योर कि चाहे कोई भी प्रोजेक्ट, असाइनमेंट या सबमिशन हो, आपकी ओपिनियंस हमेशा डाइवर्स हो. अब आ जाता है वो मिलियन डॉलर क्वेश्चन कि प्लेसमेंट्स के टाइम पे क्या सीन रहता है. वेल, प्लेसमेंट्स के टाइम पे भी इट डजंट मैटर वेदर यू आर एन इंजीनियर और अ नॉन इंजीनियर. बहुत से नॉन इंजीनियर्स टेक जॉब्स में जाते हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स मार्केटिंग जॉब्स में जाते हैं एंड मेनी ऑफ देम बैक द टॉप कंपनीज एज वेल इक्वली, विच मीन्स कंसल्टिंग में मैकिन्जी, बेन, बीसीजी में इंजीनियर्स भी जाते हैं, आर्किटेक्ट्स भी जाते हैं, डॉक्टर्स भी जाते हैं, लॉयर्स भी जाते हैं. सिमिलरली मार्केटिंग की फील्ड के अंदर बड़ी बड़ी एफएमसीजी कंपनीज में इंजीनियर्स और नॉन इंजीनियर्स दोनों को प्लेसमेंट मिली हुई है. इसी तरह टेक्निकल फील्ड्स के अंदर भी नॉन इंजीनियर्स विद द राइट स्किल सेट हैव मेड इट टू द टॉप प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल्स. व्हाट रियली मैटर्स इज कि आपकी ओवरऑल प्रोफाइल कैसी है रादर देन कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था. अगर आप किसी भी बी स्कूल के इंजीनियर्स और नॉन इंजीनियर्स के एवरेज पैकेजेस भी चेक करोगे, वैसे तो ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं रहती है फॉर मोस्ट बी स्कूल्स, बट मैंने आईआईटी रुड़की से भी ये सवाल पूछा था जब उनके स्टूडेंट्स के साथ मेरा इंटरेक्शन था, इट इज फेयरली सिमिलर. सो यू कैन सेफली कंक्लूड कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि नॉन इंजीनियर्स पीछे रह जाते हैं या इंजीनियर्स के पास एक एज होता है, नथिंग लाइक दैट. ऑल रियली मैटर्स इज कि आपकी प्रोफाइल कैसी है एंड हाउ डू यू स्टैंड विद रिस्पेक्ट टू अदर कैंडिडेट्स इन द सेम बैच. सो आई होप कि इस वीडियो से ना सिर्फ आपको क्लैरिटी मिले बट आप ऐसी की कोई भी फालतू डिस्कशन से दूर ही रहो जिसमें लोग आपस में लड़ते रहते हैं कि यार तुम तो इंजीनियर हो, तुम तो नॉन इंजीनियर हो. छोड़ दो ये सब, बिकॉज आपको सिर्फ एक सीट चाहिए आउट ऑफ दैट पूल इन विच यू आर कंपीटिंग. लीव एवरीथिंग असाइड, सिर्फ अपने ऊपर फोकस करो, दैट इज वॉट मैटर्स इन दी एंड. सो आई होप यू आर फीलिंग बेटर नाउ. अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो कॉमेंट्स में एड कर देना. लेट अस एड्रेस ऑल ऑफ योर डाउट्स, डोंट वरी. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस गाइज.